नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान सरकार भले ही ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन अनुभवी और अच्छे टीचर की कमी के चलते बच्चे गलत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब पैपऊ उपखंड के इलाके के विद्यालय में एक शिक्षक नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला धौलपुर जिले के सैपऊ क्षेत्र के बल्दियापुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक शिक्षक ने इतनी शराब पी ली कि वो स्कूल में जाकर जमीन पर गिर गया और कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा। सुबह जब बच्चे विद्यालय पहुंचे तो मास्टर साहब शराब के नशे में धुत होकर रूम में पड़े हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि टीचर ने स्कूल के ऑफिस में ही आकर शराब पी थी। शराब ज्यादा हो गई तो वो नशे में धुत होकर टेबल के नीचे जमीन पर पड़ा रहा। शिक्षक के शराब के नशे में पड़े होने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो गांव के कुछ युवा स्कूल पहुंच गए और उन्होंने नशेड़ी शिक्षक का वीडियो बनाते हुए इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी ललित मीणा को कार्यालय जाकर दी। उपखंड अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी को स्कूल भेज कर जांच करने के आदेश दिए। मामूली कार्यवाही करके हर बार शिक्षक को स्थानीय स्कूल में ही लगा दिया जाता है। अच्छा, दो में तो आज क्यों नहीं चल रही है? अच्छा, दारू पी के पड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब छुट्टी कर दी है? कितने सर हैं इसमें? दो। अच्छा, दो हैं तो दोनों आए हैं सर? एक आई। अच्छा, कौन से सर आए हैं? पप्पू मास्टर। अच्छा, कौन से नहीं आए हैं? वो अच्छा, ये खा के रहने वाले हैं। ये बल्दियापुरा के गांव के निवासी ही हैं। अच्छा, पप्पू के पिताजी का नाम क्या है? नेकराम। अच्छा, नेकराम। ये जो दारू पी के ऐसे ही रोज पड़े रहते हैं या कैसे? दो दिन से तो कंटिन्यू दिख रहे हैं साहब जी। अब की हमको कल सोचा, गांव में रोज रहते हैं ऐसे? गांव में तो रोज पड़े ही रहते हैं दारू पी के। अब स्कूल में अब हालत ऐसी होगी, स्कूल में भी आने लगे बच्चों से भी अवधरता करती है। अरे तो वो तो गाली ग्लोज आप देख रहे हैं प्रेजेंट में। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर।